गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल के शर्मा और आप लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा वीडियो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी पार्ट टू का वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो में यूनिक्स में कौन कौन से शेल्स होते हैं तो टाइप्स ऑफ शेल्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ शेल्स के बारे में देखते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से शेल होते हैं। तो शेल इज नथिंग बट कमांड प्रॉम्प्ट। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लगभग चार तरीके के कमांड प्रॉम्प्ट होते हैं। तो चार अलग अलग तरीके के जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसको हम शेल बोलते हैं। तो एक को बॉर्न शेल बोलते हैं, दूसरे को सी शेल बोलते हैं, तीसरे को कॉर्न शेल बोलते हैं और चौथे को बेस शेल बोलते हैं। तो ये चारों अलग अलग कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट है। तो इस चारों अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट में हम जा करके किसी भी जो है कमांड को रन कर सकते हैं। कोई भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्रोग्राम उस पर राइट कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। बस इन चारों में अंतर क्या है कि चारों कमांड प्रॉम्प्ट में या चारों शेल में किसी में फीचर्स ज़्यादा है, किसी में कम फीचर्स है। तो बेसिकली जो है सी शेल जो है उसमें फीचर्स ज़्यादा है तो उसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो टाइप्स ऑफ शेल में बेसिकली हमें सिर्फ ये समझना है कि जो है एक कमांड प्रॉम्प्ट से हम दूसरे कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे जाते हैं। मतलब अगर बॉर्न शेल के कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें जाना है, घुसना है तो कैसे घुसेंगे, सी शेल के कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें वर्क करना है तो सी शेल के कमांड प्रॉम्प्ट में हम कैसे जो है इंसर्ट करेंगे, कॉर्न शेल के कमांड प्रॉम्प्ट में हम कैसे जाएंगे, बेस शेल के कमांड प्रॉम्प्ट में हम कैसे जाएंगे। तो जो है शेल जो है वो कुछ नहीं है बट अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बॉर्न शेल के बारे में। तो बॉर्न शेल क्या है, इट वॉज रिटन बाय स्टीफन बॉर्न एट बेल लैब इन 1974। तो बॉर्न शेल को लिखा था, इसको क्रिएट किया था, इसको बनाया था स्टीफन बॉर्न ने। कहाँ पर बनाया था, यूनाइटेड स्टेट के न्यू जर्सी में बेल लैब में जो है इसको रिटन किया गया था 1974 में, 1974 में। इट्स डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट इज डॉलर। तो जैसा कि मैंने बताया शेल क्या है, ये अलग अलग कमांड प्रॉम्प्ट है। तो जब बॉर्न शेल में हम काम करेंगे तो बॉर्न शेल जो है वो ब्लिंक करती है डॉलर प्रॉम्प्ट से, यानी कि डॉलर प्रॉम्प्ट होगा और ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब हम बॉर्न शेल में है। तो वहाँ पर हम कोई भी कमांड लिख देंगे या कोई भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम लिख करके हम रन कर सकते हैं। तो जो है बॉर्न शेल में जो प्रॉम्प्ट होता है वो डॉलर का साइन होता है। इट इज ए सिंपल शेल विद स्मॉल साइज एंड फ्यू फीचर्स। तो बॉर्न शेल में ये थोड़ा सा साइज में छोटा होता है और इसमें फीचर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कम फीचर्स होते हैं। इट हैज बीन द डिफॉल्ट शेल फॉर मेनी यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रूट यूजर्स। तो जो है बॉर्न शेल जो है यूनिक्स की कॉपी की हुई जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या और दूसरे यूनिक्स की कॉपी की हुई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो खुलती है वो बॉर्न शेल वाली कमांड प्रॉम्प्ट खुलती है, डॉलर साइन से ब्लिंक करती है वो, और इसमें फीचर्स कम होते हैं। तो द बॉर्न शेल has neither the interface features nor complex programming construct of C and Corn shell. तो Bourne shell में interface वाला features नहीं है और complex programming को जैसे कि C और Corn shell जैसे जो programming को ये support नहीं करता है, यानी कि जो है सी और कॉर्न शेल में जो प्रोग्राम सपोर्ट किए जाते हैं उस तरह के प्रोग्राम्स या फंक्शन को बॉर्न शेल सपोर्ट नहीं करता है। इट ऑल्सो लैक्स सर्टेन फीचर्स सच एज एबिलिटी टू रिकॉल प्रीवियस कमांड्स।
अगर किसी कमांड की हिस्ट्री देखनी है तो उस हिस्ट्री को रिकॉल करने की एबिलिटी इस वाले कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं होती है एंड लैक्स बिल्ट इन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन हैंडलिंग। और इस शेल पे, इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जब भी कोई हम अरिथमेटिक या लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस लिखते हैं या उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो बॉर्न शेल जो है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। और ये जो है लोकेटेड होता है स्लैश बिन में, SH नाम के फोल्डर में, शेल नाम के फोल्डर में। अब देखते हैं कि सी शेल क्या है। तो इट वॉज रिटर्न इन 1978 इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले बाय बिल जो हु रोट VI टेक्स्ट एडिटर एंड लेटर को फाउंडर ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। तो सी शेल को लिखा था 1978 में कोलंबिया के यूनिवर्सिटी में, बर्कले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बिल जॉय के द्वारा, और जिसने VI टेक्स्ट एडिटर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में VI एडिटर भी है, तो उस VI एडिटर को भी इसने बनाया था। और आगे चल करके माइक्रो सिस्टम का ये, सन माइक्रो सिस्टम का ये को फाउंडर भी बना। तो इसका जो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है वो है परसेंटेज, यानी कि इसका जो प्रॉम्प्ट है जब ब्लिंक करती है तो वहाँ पर परसेंटेज दिखाई देता है। इट कंटेन्स ऑल फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, ये सी लैंग्वेज के सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। यानी कि सी लैंग्वेज में जब हम सी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें सी की प्रोग्रामिंग करते समय सी में जो जो फीचर्स वो सपोर्ट करता है, वो सारे फीचर्स जो है इस वाले प्रॉम्प्ट पे, इस वाले शेल में भी ये सपोर्ट करता है। इट इज़ एन इंटरेक्टिव शेल, कैन बी यूज टू राइट प्रोग्राम। और सी शेल जो है एक बहुत ही इंटरेक्टिव शेल होता है, इसी पे आप यूनिक्स के बड़े बड़े प्रोग्राम को लिखते हैं, और दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड शेल स्क्रिप्ट। और यूनिक्स की प्रोग्रामिंग सी शेल में जब हम लिखते हैं तो उस प्रोग्रामिंग को शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। कॉर्न शेल देखते हैं क्या होता है। तो कॉर्न शेल जो है इट वॉज डेवलप्ड बाय डेविड कॉर्न एट बेल लैब्स। तो डेविड कॉर्न ने इसको डेवलप किया था बेल लैब्स में। बेल लैब कहाँ पर है? न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट में। तो कब डेवलप किया था? इन 1983, 1983 में डेवलप किया था। और इट्स डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट इज डॉलर, और इसका भी डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट जो है वो डॉलर ही है। इट इज़ कंपेटिबल विद बॉर्न शेल, इंक्लूड्स मैनी फीचर्स ऑफ सी लैंग सी शेल। तो इसमें बॉर्न शेल के सारे फीचर्स हैं और साथ ही साथ कॉर्न शेल में और भी बहुत सारे सी शेल के फीचर्स हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंप्लीट पावरफुल एंड हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग एप्लीकेशन। तो इसमें सी शेल के भी फीचर्स है, बॉर्न शेल के भी फीचर्स है, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल और हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यूनिक्स के अपने एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स को बनाने के लिए, तो यूनिक्स के अंदर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़े हुए फाइल्स हैं, तो उन फाइल्स को कौन सा यूज़र एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता है, तो उससे रिगार्डिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम यूनिक्स का प्रोग्राम बना करके उसमें डाल देते हैं। तो जिस यूज़र के लिए वैलिड है वही यूज़र जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फंक्शनैलिटी है जो बना करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, बना करके सिस्टम में डाल दिया जाता है। तो उसी के हिसाब से यूनिक्स एनवायरनमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉई है जो है अपने काम की ही इंफॉर्मेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं देख सकते हैं। तो इट इज़ वन मोस्ट ओफन यूज्ड इन कमर्शियल एनवायरनमेंट। अगर कमर्शियल एनवायरनमेंट में बात करें कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट या कौन सा शेल सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो वो कॉर्न शेल सबसे ज़्यादा यूज होता है।
तो हम लोगों को जो प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है प्रोग्रामिंग वगैरह की, वो कौन शेल में ही प्रैक्टिस कराई जाती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बेश शेल। तो बेश शेल देखते हैं ये क्या होता है। तो इट वॉज डेवलप्ड इन लेट 1980s बाई ए प्रोग्रामर नेम्ड ब्रियन फॉक्स फॉर द जेन्यू प्रोजेक्ट एज ए फ्री सॉफ्टवेयर रिप्लेसमेंट फॉर द बॉर्न शेल। तो इसको डेवलप किया गया था 1980s में एक प्रोग्रामर के द्वारा, उस प्रोग्रामर का नाम था ब्रियन फॉक्स, और जेन्यू प्रोजेक्ट के रूप में इस प्रोजेक्ट को उसने लिया था, और बॉर्न शेल के रिप्लेसमेंट में ये वाली शेल उसने बनाई थी। मतलब बॉर्न शेल के जगह पर कोई दूसरी शेल बनाने के लिए कहा गया था, तो इस प्रोग्रामर ने बॉर्न शेल के जगह पर बेस शेल बनाया था। और इसका जो प्रॉम्प्ट है, इसका भी डॉलर प्रॉम्प्ट ही है, इसका जो डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है डॉलर प्रॉम्प्ट है, और बेस जो है स्टैंड्स फॉर बॉर्न अगेन शेल। तो चूंकि बॉर्न शेल का ही बॉर्न शेल के बाद दूसरा शेल बनाने के लिए कहा गया था, बॉर्न शेल वाला ही दूसरा शेल बनाने के लिए कहा गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया बॉर्न अगेन शेल। और इसके अंदर जो फीचर्स डाले गए थे वो बॉर्न शेल के ही फीचर्स डाले गए थे, और साथ में अपने कुछ और नए फीचर्स इसमें डाल दिए गए थे। एंड इट इज़ द सेकेंड वर्जन ऑफ द बॉर्न शेल। तो बॉर्न शेल का दूसरा जो वर्जन है उसको बेस शेल बोलते हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल फीचर्स ऑफ बॉर्न शेल। तो इसके अंदर जो है बॉर्न शेल के सारे फीचर्स है, और साथ ही साथ इसमें कुछ नए फीचर्स भी डाले गए हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फीचर फ्रॉम कॉर्न शेल एंड सी शेल। इसके अंदर कॉर्न शेल के भी फीचर्स डाले गए हैं, सी शेल के भी फीचर्स डाले गए हैं। इट इज यूनिक्स कंपेटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग लाइनक्स कर्नल। तो यूनिक्स में ये सबसे ज़्यादा कंपेटिबल जो है शेल है, और लाइनक्स का कर्नल यूज करता है ये। तो ये था हमारा बेस शेल। तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, बस इसमें ये समझना है कि चार अलग अलग तरह के शेल्स होते हैं, यानी कि चार अलग अलग तरह के जो है प्रॉम्प्ट होते हैं, और उन चारों प्रॉम्प्ट के अलग अलग जो है साइन कौन से, डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट कौन कौन से है वो जानना है, और साथ ही साथ एक शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए हम पाथ को कैसे राइट करते हैं वहाँ पे वो जानना है। तो इसके अगले स्लाइड में एक शेल से दूसरे शेल में कैसे जाएंगे, उसका पाथ कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, और उस शेल से अगर हमें एग्जिट होना है तो वो कैसे होंगे वो देखना है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है। अब देखते हैं कि अलग अलग प्रॉम्प्ट पे हम कैसे जाएंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो हाउ टू चेंज द प्रॉम्प्ट, इट टेल्स विच शेल टू यूज टू एग्जीक्यूट द फाइल। तो प्रॉम्प्ट को चेंज करना यहाँ पर सीखेंगे। तो प्रॉम्प्ट को हम चेंज इसलिए करते हैं कि वो हमें डिसाइड करना है कि किस शेल पर हमें अपने फाइल को एग्जीक्यूट करना है, अपने कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो मान लीजिए मुझे बॉर्न शेल के अंदर जाना है, तो बॉर्न शेल में क्या होगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, या फिर रेड हैट लिनक्स 5 या रेड हैट लिनक्स 6 इसको इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे हम ये वाला पाथ डाल देंगे। मान लीजिए कमांड प्रॉम्प्ट वहाँ पे डॉलर है, तो डॉलर के आगे हम स्लैश बिन और स्लैश sh लिख देंगे तो हम बॉर्न शेल के अंदर घुस जाएंगे। तो sh जो है वो इंडिकेट करता है बॉर्न शेल को। तो जैसे ही स्लैश बिन स्लैश sh लिख करके एंटर प्रेस करेंगे लिनक्स के ऊपर, तो हम बॉर्न शेल में घुस जाएंगे, और बॉर्न शेल का जो है डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट डॉलर ही होता है। तो डॉलर इस तरीके से ब्लिंक करने लग जाएगा, और ब्लिंक करने लग जाएगा तो वहाँ पर हम कोई भी कमांड लिख करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी यूनिक्स की प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं जिसको शेल स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो शेल स्क्रिप्ट हम लिख करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं,
और उसी तरीके से जब हमें बॉर्न शेल से बाहर आना होगा तो सिंपल हम उस कमांड प्रॉम्प्ट के आगे डॉलर कमांड प्रॉम्प्ट के आगे हम एग्जिट लिख करके एंटर मारेंगे तो बॉर्न शेल से हम बाहर हो जाएंगे। अब हमें सी शेल के अंदर जाना है, तो सी शेल के अंदर जाने के लिए या तो वहां पर परसेंटेज वाला प्रॉम्प्ट दिखाई देगा या फिर डॉलर वाला प्रॉम्प्ट दिखाई देगा, तो कोई भी प्रॉम्प्ट दिखाई दे सकता है। तो वहां पर सिंपली ले जा करके हमें पाथ टाइप करना है स्लैश बिन और स्लैश CSH। तो CSH जो है वो सी शेल को इंडिकेट करता है। तो ये टाइप करके जब हम एंटर डालेंगे तो एंटर मारेंगे तो सी शेल में घुस जाएंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाला प्रॉम्प्ट जो है वो ब्लिंक होने लग जाएगा। फिर उस परसेंटेज वाले प्रॉम्प्ट पे हम कोई भी कमांड लिख करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम या शेल स्क्रिप्ट लिख करके हम उसको एग्जिट कर सकते हैं, सॉरी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर सी शेल कमांड प्रॉम्प्ट से अगर हमें बाहर आना है तो हम एग्जिट लिख करके एंटर मारेंगे तो सी शेल से हम बाहर हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर कॉर्न शेल में जाना है तो स्लैश बिन स्लैश KSH जो है कॉर्न शेल को इंडिकेट करता है, तो हम कॉर्न शेल में घुस जाएंगे। उसके बाद वहाँ भी कमांड हम लिख करके टाइप कर सकते हैं, मतलब कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी शेल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या एग्जिट लिख करके एंटर मारेंगे तो कॉर्न शेल से हम बाहर आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर बेस शेल के अंदर हमें जाना है तो डॉलर प्रॉम्प्ट या परसेंटेज प्रॉम्प्ट पे हम स्लैश बिन स्लैश बैश SH लिख करके एंटर मारेंगे तो बेस शेल में घुस जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर भी हम कोई कमांड लिख करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी शेल स्क्रिप्ट या यूनिक्स की प्रोग्रामिंग लिख करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर हमें बेस शेल से बाहर आना है तो एग्जिट लिख करके एंटर मारेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब लेट सपोज इन चारों शेल स्क्रिप्ट में सॉरी इस चारों शेल में से चारों कमांड प्रॉम्प्ट में से किसी भी कमांड प्रॉम्प्ट में हम घुस गए और घुसने के बाद मान लीजिए उसका साइन है डॉलर प्रॉम्प्ट का साइन है, तो डॉलर प्रॉम्प्ट वहां पर ब्लिंक करेगा और वहां पर मान लीजिए यूनिक्स का एक कमांड है डेट कमांड है, तो डेट कमांड लिख करके जब हम एंटर मारेंगे तो ये क्या करेगा डेट और टाइम को दिखाएगा। तो इस डेट कमांड को हम बॉर्न शेल के प्रॉम्प्ट पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, सी शेल के कमांड प्रॉम्प्ट पे भी इस डेट कमांड को लिख सकते हैं, कॉर्न शेल के कमांड प्रॉम्प्ट पे भी हम इस डेट डेट कमांड को लिख सकते हैं और बेस शेल के कमांड प्रॉम्प्ट पे भी हम ये डेट जो है कमांड लिख सकते हैं। इन चारों में ही डेट कमांड क्या करेगा डेट शो करेगा और टाइम को शो करेगा। तो इस तरीके से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चार तरीके के हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट है, जिसमें मैंने बताया है कि बॉर्न शेल जो है जो सी शेल है सी शेल में जो है सी लैंग्वेज के सारे फीचर्स इसके अंदर कंस्ट्रक्ट होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है कमांड प्रॉम्प्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कॉर्न शेल कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और मतलब शेल स्क्रिप्टिंग जो होती है या यूनिक्स के बड़े बड़े प्रोग्राम जो है कॉर्न शेल में ही लिखे जाते हैं। तो ये कॉर्न शेल का कमांड प्रॉम्प्ट बहुत ही पावरफुल कमांड प्रॉम्प्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बेसिकली यही इसी स्लाइड के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि जब आप कमांड या शेल स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है बॉर्न शेल में कैसे जाएंगे, सी शेल में कैसे जाएंगे, कॉर्न शेल में कैसे जाएंगे, बेस शेल में कैसे जाएंगे और कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट ज़्यादा अच्छा है, जैसे कॉर्न शेल का या सी शेल का कमांड प्रॉम्प्ट ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जा करके आप यूनिक्स के कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूनिक्स की प्रोग्रामिंग जिसे शेल स्क्रिप्ट कहते हैं उसको लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो है यूनिक्स की जो प्रोग्रामिंग है या शेल स्क्रिप्ट है वो DBA के फील्ड में अगर आप फ्रेशर है तो आपको यूनिक्स की प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है,
इसके लिए जो है आप 10 साल 15 साल 20 साल जब डेटाबेस के एनवायरनमेंट में वर्क करेंगे तो उस लेवल पे जा करके आपको जो है कोई ऐसी कंपनी मिल जाएगी जहां पर आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम आपके साथ ही जोड़ दिया जाएगा। तो वहां पर थोड़ी बहुत जो है शेल स्क्रिप्ट या यूनिक्स की प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। तो बेसिकली ये वाला जो वीडियो लेक्चर है इसमें बस आपको परिचित करवाना था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शेल्स वगैरह क्या होते हैं, इसका कमांड प्रॉम्प्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन से कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम्स वगैरह लिखे जाते हैं, किस में ज़्यादा इजीली सब कुछ सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में आपको यही बताना था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी पार्ट 2 मेरा यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।